5 महीने घर में रहने के बाद फाइनली मुझे हिमाचल जाने का मौका मिला एंड ये मेरा बेस्ट डिसीजन में से एक था। फाइनली मुझे ये ओपन ग्रीन खुली रोडें, बारिश का टाइम, फॉगी वेदर एंड कोई भीड़ नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई भी रास्ते पे किसी तरह की रुकावट नहीं, इसको 5 महीने बाद फील करना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। एंड आई थिंक मैंने ऐसा आज तक हिमाचल कभी नहीं घूमा कि इतना खाली और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कि ऐसा लगा कि सब कुछ बस मेरा ही है। एंड मैंने यहाँ पर ये स्टे डलहौजी में 5 दिन के लिए बुक करवाया था, जो एक बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा होम स्टे मेरे लिए रहा, और आई विल से फार्म स्टे। ये आपके मेन डलहौजी से थोड़ी सी दूर है, 1 घंटे की ड्राइव आपको करनी पड़ेगी, बट ये एक वर्दी ड्राइव है वहाँ की भीड़ भाड़ से अलग। ऑफकोर्स आज के डेट में वहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, बट अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं तो आप चाहेंगे कि थोड़ी भीड़ भाड़ से आप अलग रहे, तो ये बेस्ट प्लेस है एंड बेस्ट लोग है यहाँ के रहने के लिए। इसके ऊपर एक व्लॉग में आगे जाके फ्यूचर में दिखाऊंगा। तो मैंने फर्स्ट चीज स्टार्ट करी सुबह सुबह मेन डलहौजी के एरिया को एक्सप्लोर करने से, एंड मैं सुबह सुबह इस ब्यूटीफुल वेदर एंड खाली हिमाचल में चल दिया डलहौजी के मेन एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे मैंने बताया, रोड एकदम खाली थी, वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बारिश के टाइम पे पहाड़ों का एक और बात सबसे अच्छी ये होती है कि सब कुछ और ज़्यादा ग्रीन हो जाता है, ब्यूटी और ज़्यादा एनहेंस हो जाती है, एंड फॉगी वेदर का भी एक अपना ही अलग मज़ा होता है। एंड क्योंकि टूरिस्ट थे नहीं तो गाड़ी चलाते टाइम मुझे किसी भी तरह का इशू नहीं आया और मैं बड़े ही आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच पाया। दो, क्योंकि वायरस की वजह से चीज़ें थोड़ी सी बंद चल रही है, काफ़ी सारे होटल बंद है एंड काफ़ी सारे जगह है या टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसी है जो अभी बंद पड़ी हुई है। जैसे अगर आप डलहौजी के मेन स्क्वायर पे पहुँचेंगे तो पहली चीज़ आप देखेंगे ये सेंट जॉन चर्च, जिसको मैं आगे वीडियो में सेंट पैट्रिक बोल रहा हूँ, बट सॉरी फॉर दैट, इसका नाम सेंट जॉन चर्च है। चर्च के ठीक सामने एक मार्केट है जिसमें काफ़ी सारी शॉप्स है, बट ये भी आधी से ज़्यादा बंद थी, आपको पता है, क्योंकि टूरिस्ट नहीं है तो आधी से ज़्यादा मार्केट भी बंद है। इसी पे आगे जाके कुछ होटल्स भी है जो रहने के लिए काफ़ी अच्छी जगह में से एक बोलूँगा मैं, क्योंकि ये पूरी रोड एक अच्छी सी नेचर की एक ग्रीन वॉक हो जाती है। डलहौजी में भी घूम रहा हूँ, सेंट पैट्रिक चर्च से स्टार्ट किया तो उसकी वीडियो ली है, पूरा एरिया खाली पड़ा है, मास्क अभी उतारा क्योंकि इस एरिया में कोई है नहीं, तो चलो सिक्योरिटी है थोड़ी सी सबके लिए और मेरी भी, पर कोई भी टूरिस्ट नहीं है, सिर्फ लोकल्स है, जो होटल्स यहाँ आसपास है सबके सब बंद है, तो ठीक है, काफ़ी खाली खाली सा एरिया है। अब मैं जा रहा हूँ, कोई कौन सी सड़क है ये, अब मैं जा रहा हूँ कोई गर्म सड़क आसपास ही है, तो इस एरिया के आसपास आएंगे तो आपको ज़्यादातर चर्च मिलेंगे। 3 चर्च है, एक सेंट पैट्रिक जो मैंने अभी आपको शो करा, उसके अलावा भी 2 और है, सो थोड़े से सीनिक और पुराने एरिया में बने हुए इसलिए उनकी थोड़ी सी वैल्यू है ज़्यादा, अदरवाइज ऐसा ही है, खाली खाली सा एरिया, ग्रीनरी, यू कैन इन्जॉय इट। लोग आ रहे हैं इसलिए मास्क वापस पहनने की ज़रूरत है। चलो चलते, गरम सड़क एक ब्यूटीफुल सी नेचर वॉक है जो आपको सेंट जॉन चर्च से ठीक सामने अगर आप मार्केट को पार करते हुए जाएंगे तो उसी रोड पे आगे जाके आपको मिल जाएगी। ये रोड बड़ी ही छोटी सी पतली सी एक रोड है एंड काफ़ी शांत सी एक पूरी की पूरी एक ट्रेल है जिसमें आपको वॉक करना काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड खासकर अगर आपका होटल इसी एरिया में है तो आप सुबह के टाइम जब अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में आप ज़रूर यहाँ पर एक वॉक लेना चाहेंगे, बिकॉज एक प्यारी सी ब्यूटीफुल नेचर वॉक है। मेरे को ये और भी ज़्यादा शांत मिली, ऑफकोर्स क्योंकि आसपास लोग नहीं हैं, बट आपके ऊपर है जब आप आते हैं तो उस पर उस टाइम कितनी भीड़ होती है, बट हाँ, शांत वाली अच्छी सी वॉक लेने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है।
ये नई सड़क तो मुझे मिली नहीं, सॉरी, जो भी सड़क थी यही शायद पूरी की पूरी रोड है, और ये पूरी की पूरी ऐसे से एक ट्रेल है अच्छी सी, सीनिक सी, ग्रीन सी। सो यही था बस, बाकी ऊपर की तरफ जाके देखते हैं और क्या है। खजियार वगैरह का रास्ता यहीं से है तो लोग वहीं पर ही जाते हैं, लेकिन मैं अलग अलग दिन में आऊँगा और खजियार में जाऊँगा कल अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज आई वॉन्ट कि वहाँ पर थोड़ा सा वो ग्रीन और वैसा व्यू मैं कैप्चर कर पाऊँ। अभी थोड़ी सी धूप है, थोड़ी सी हड्डी है, लेकिन आ जा रही है, तो खजियार का अर्ली मॉर्निंग के लिए मेन स्क्वायर की तरफ जाता हूँ और देखता हूँ। तिब्बतन मार्केटिंग भी है, तो तिब्बतन मार्केटिंग मार्केट कैसी है। सो उस तरफ जाते हैं, खाली है यार, बिल्कुल ही खाली है, क्या करें। और लोकल से भी मैं ज़्यादा बात कर नहीं रहा हूँ जब तक मैं कहीं पर बैठूँ ना, क्योंकि यार एक्चुअली वायरस है ही, मैं दिल्ली से हूँ, मेरे पे तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन पुलिस ने ये बोला था ज़्यादा इंटरेक्ट मत करना, यहाँ पर करना हो वहीं करूँगा, चलते फिरते सबसे नहीं, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग। अगर उसे एक को भी हुआ और गलती से मैं जो हो गया तो मैं आऊँगा जो उसे स्प्रेड करूँगा ट्रैवल करते करते, इसलिए आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम लोकल्स। एटलीस्ट बात हो जाए तो टच वच तो कोई करूँगा अवॉइड। सो लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं। अब थोड़ा सा अच्छा मौसम हुआ है और मुझे एक बैठ के बनाना टाइम लैप्स बादल का, बड़े टाइम से पेंडिंग है। सो लेट्स डू इट, हाँ चलते आगे मार्केट की तरफ। और पीछे देखो कितना फॉगी सा वो हो गया वेदर, जस्ट लुक एट इट। यहाँ से नीचे की तरफ भी कोई रास्ता जा रहा है, मुझे पता नहीं ये कहाँ जाता है, बस मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी से। ये पूरी की पूरी ट्रेल है मेरे ठीक सामने, वो देखिए। तो ये रास्ता कहीं नीचे की तरफ जा रहा है, अब ठीक है बेलाबंदी करने आए हैं, घूमते हैं देखते हैं कहाँ जाता है, कोई अच्छा फोटोग्राफी वो मिल जाए क्या पता पॉइंट। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस वन, क्योंकि मुझे अभी तक इस एरिया में ज़्यादा कुछ तो नज़र आया नहीं है। मार्केट पे आप शॉपिंग कर लो, घूम लो, लोकल्स से बात कर लो या कुछ खा पी लो, एक दो शॉप्स ही, कुछ शॉप्स ही उधर, एक दो मुझे थोड़ी वो लगी इंटरेस्टिंग, बाकी यही है। ये पूरी ट्रेल है, शायद ये लोकल्स का किसी घर का रास्ता ना हो, तो देखते हैं क्या ये, जैसे ये किसी के लिए घर के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है एंड देन वहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, तो अपने को क्या, अपने को तो बस घूमना है। लेट्स एक्सप्लोर डलहौजी जितना हो सके। और मुझे मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बस एक ओपन व्यू मिल रहा है पूरी वैली का फ़ोटो खींचने के लिए। अभी सामने सामने ना ये पेड़ आ रहे हैं, देवदार के पेड़ आ रहे हैं ये शायद, अगर पता हो तो कमेंट करके बताना। देवदार ही सुना है मैंने तो शायद यहाँ पर सबसे, तो वही होंगे। चलो क्या मस्त तेज़ी से वो जा रहे बादल, आई होप इट विल बी कैप्चर इन कैमरा, जस्ट लुक एट इट। और मैंने ये सही सोचा था, ये किसी लोकल के घर पे की तरफ ही जा रहा है, तो नीचे दिख रहा है घर होंगे, घर है कुछ जो बंद पड़े से हैं, तो ये वहीं पर ही जा रहा है नीचे घरों की ओर ही। तो आई डोंट नो मुझे पूरा जाना चाहिए नहीं चाहिए, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं ट्राई नीचे एंड में, एंड तक है क्या। मेरा गिम्बल ख़राब हो गया है, उसका सेल ख़राब हो गया है, तो अब मैं ज़्यादा GoPro को यूज़ कर रहा हूँ वॉकिंग शॉट पे, क्योंकि कैमरे को फिर हिलेगा शॉट ऐसे सीढ़ियाँ और ट्रैकिंग करते टाइम, तो वो एक है। तो ये तो खंडर सा घर है पूरा, भूतिया वैली, लुक एट इट।
ये वो जगह है जहाँ पर आप शाम को या रात को आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि देख सकते हैं आप पीछे कितना ख़तरनाक है। तो आप, मेरे को नहीं लगता आप यहाँ पर आना चाहेंगे रात के टाइम, तो खासकर अभी तो फिर भी चलो चल सकता है, लेकिन सामने जो व्यू है ना यार, क्या बताऊँ। कुछ फ़ोटो क्लिक करने का टाइम आ चुका है, तो करते हैं यहाँ से कुछ ओपन वैली की फ़ोटोज़ क्लिक। बट यहाँ मैं ज़्यादा देर स्टे नहीं करने वाला है, क्योंकि आई डोंट लाइक दिस प्लेस अ लॉट, काफ़ी ज़्यादा स्पूकी सी है। थोड़ी सी अगर देर हो तो और ज़्यादा हो जाएगी, कोई है भी नहीं इधर। चलो वापस चलते हैं तो कुछ फ़ोटो खींच के। तिब्बतन मार्केट सेंट जॉन चर्च के ठीक सामने ही है। ये आपको डलहौज़ी का जो ये मेन स्क्वायर है उसी पे मिल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ कुछ ही शॉप है, उनमें से भी फ़िलहाल आधी शॉप बंद थी, लेकिन शायद आप जब तक आए तो आपको सारी शॉप ओपन मिल जाए। बट ये कोई ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ मत आइएगा। ये छोटी सी और कुछ ही शॉप्स वाली मार्केट है। तो मैं अपनी गाड़ी में अब वापस आ चुका हूँ। थोड़ा सा सीरियो मैंने एक्सप्लोर किया, तिब्बतन मार्केट, सेंट पैट्रिक चर्च और ये एक जो सड़क है उस तक मैं होके आया। उस सिर्फ एक रोड ही है, वहाँ पर एक अच्छी सी सीनिक सी आपकी नेचर वॉक हो जाएगी। और सामने छोटी सी मार्केट है, तिब्बतन मार्केट आती बंद पड़ी है, सेंट पैट्रिक चर्च बंद पड़ा हुआ है, एक दो चर्च और है जो मैं जाने लगा कि अगर बंद हो तो फ़ायदा नहीं है। पारसी मैंने जो थोड़ी सी वीडियो बनाई है वो बनाई है। अच्छा एरिया है, वैली काफ़ी अच्छी हो रखी है, अभी एकदम खाली है। एंड एक्चुअली आपको सीनिक और प्लेस चाहिए तो वो तो आपको मिलेगी, वो हमेशा आपके लिए ओपन है। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर देनकुंड पीक, जहाँ से पूरी वैली का अच्छा व्यू आ जाएगा। और जो यहाँ से इस, मैं बोलूँगा सेंट पैट्रिक चर्च या फिर तिब्बतन मार्केट, सिर्फ 12 किलोमीटर आगे है, ऊपर की तरफ है। तो आपको अपनी गाड़ी या अपनी बाइक जिसमें भी आए आपको निकालनी पड़ेगी, आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, क्योंकि 12 किलोमीटर ऑफकोर्स आप चढ़ के तो जाएंगे नहीं, अनलेस और अंटिल आप बहुत ज़्यादा फिट है। तो अब मैं करने जा रहा हूँ ये देनकुंड पीक को देखने जा रहा हूँ, और वहाँ से एक कोशिश करूँगा पूरी वैली की एक अच्छी सीनिक फोटोग्राफी या कुछ अच्छे से शॉट्स ले पाऊँ। तो चलते हैं देनकुंड पीक एंड उसके बाद वापस बैक टू होटल, बाकी धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करेंगे, धीरे धीरे करके, बहुत टाइम पड़ा हमारे पास।